जिला मुख्यालय पर बालाघाट के बूढ़ी अस्पताल प्रांगण के निकट संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश बालाघाट ने सड़कों पर उतरकर अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर कामबंद हड़ताल किया एवं भजनों के साथ गाते बजाते सरकार की आंखें खोलने का प्रयास भी किया। वहीं ईश्वर से प्रार्थना की बात जताया कि सरकार को सद्बुद्धि दे कि हमारी मांगों पर विचार कर हमारी मांगें पूरी करें। आपको बता दें कि विगत 8 दिनों से चल रहे काम बंद हड़ताल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा 15 दिसंबर से लगातार काम बंद हड़ताल जारी है। वहीं संजय तुर्कर जिला संयोजक जिला संविदा संघ बालाघाट ने बताया कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के कहे अनुसार सन 2018 में 90% समस्त कर्मचारियों को देना व जो प्रति चार कर्मचारियों को 2007 से जो कर्मचारी कार्यरत हैं 10,000-12,000 रुपयों में काम कर रहे हैं कर्मचारी उनका नियमितीकरण हो। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार पाटिल लांजी ब्लॉक अध्यक्ष संविदा संघ और स्वास्थ्य संविदा संघ बालाघाट का सह प्रवक्ता हूं। हम लोग दो सूत्रीय मांग को लेकर अनवरत 8 दिन से यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। हमारी दो मांगों में सबसे पहले नियमितीकरण और दूसरा है 90% वेतन। हमारी जो माताएं बहनें हैं निश्चित रूप से ये दूर दूर से आती हैं, बलाचकंड भैयर विरसा सब अपना घर बार छोड़ कर यहाँ कलम हड़ताल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि शासन हमारी मांगें जल्द से जल्द स्वीकार करें ताकि हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जनमानस को दे पाएँ। धन्यवाद। सर क्या है और किस लिए कार्यक्रम किया जा रहा है? संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला बालाघाट के द्वारा आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 8वां दिन है। आज हम समस्त जिले के संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार तो नहीं अब ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि वे हमारी मांगों को पूरी करने हेतु सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार इस सद्बुद्धि को प्राप्त कर हमारी मांगों पर विचार करे और हमारी मांगों को पूरी करने का प्रयास करे। ये अनवरत 15 तारीख से हमारी हड़ताल चालू है, आज हड़ताल का 8वां दिन है। मैं पुरुषोत्तम देशमुख जिला संयोजक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला बालाघाट। मेरा नाम संजय तुर्कर है, जिला संयोजक जिला संविदा संघ बालाघाट। सर विगत 15 दिसंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं क्योंकि संविदा कर्मचारी जो संघ है बार बार अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन देते गया कि हमारी जो साथी लोग हैं 15-20 वर्षों से संविदा के रूप में काम कर रहे हैं। कोरोना काल में संविदा वर्ग ने पूरा तन मन लगाया, इसमें क्वारंटीन करना, उसके बाद में उनको जो व्यक्ति कोविड ग्रसित हैं उन लोगों को उपचार देना, उसके बाद में टीकाकरण करना, लगातार 2.5 वर्षों से हमारे संविदा कर्मचारियों ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। लेकिन मामा के द्वारा जो नीति बनाई गई थी 2018 की 90% समस्त कर्मचारियों को देना, वो भी लागू नहीं किया। और उसके साथ में नियमितीकरण के लिए जो प्रतीक्षारत हैं 2007 से हमारे संविदा कर्मचारी 10,000-12,000-15,000 पे नौकरी कर रहे हैं। चूँकि इतनी महंगाई बढ़ गई है और अब हमारे लिए संविदा कर्मचारियों के लिए अपने जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए समस्त संविदा कर्मचारी बार बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार नहीं चेती, इसलिए आज सड़क पर आकर के सभी लोगों ने काम बंद हड़ताल कर दिया है। हमें केवल परमानेंट चाहिए, नियमितीकरण चाहिए, इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। चूँकि संविदा कर्मचारी ने सतत ही अपने जी जान को लगाया, हथेली पर रखकर कोरोना में काम किया, उसका ये सिला मिला कि तनख्वाह के रूप में 5% की बढ़ोतरी करके इतिश्री कर दी गई। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि आप हमें विशेष रूप से ध्यान दीजिए, नियमितीकरण कीजिए, क्योंकि यह हर एक व्यक्ति जो है ये कोरोना की लड़ाई में उत्तम से उत्तम सेवा दी है और यह व्यक्ति जो है अपने आप को योग्य साबित किया है। यही सरकार से गुजारिश है आपके माध्यम से कि नियमित किया जाए ताकि हम जनमानस की पीड़ा को हम दूर कर सकें और सतत अपनी सेवा को हम सुचारू रूप से चालू रख सकें। बालाघाट से UD News के लिए अखिलेश सिल्हारे की रिपोर्ट।